शिवनी जिले में कहा जाता है कि बरघाट क्षेत्र में राजनीतिक रूप से जागरूक है, पर देखने में आया है कि दिए तले अंधेरा है, जिसकी साक्षात प्रमाण ग्राम पंचायत नगझिरी के मराई टोला का है, जहां लगा ट्रांसफार्मर 20 से 25 दिनों से खराब पड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि दोनों कुंभकर्णी नींद से सोते हुए यह बात का संयुक्त मोर्चे के पास प्रताड़ित परिजन द्वारा पहुंचाई गई, तब मोर्चे ने अपनी सक्रियता दिखाकर जिम्मेदारी निभाते हुए 12 घंटे में समस्या का उच्चाधिकारी के साथ बात करके ट्रांसफार्मर बदलवा कर निदान करवाया, जिसमें माइटोला के नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और एक स्वर में किसान मजदूर द्वारा नारा लगाकर कामरेड अली एम खान, तीरथ सिंह गजभिये और किसान नेता राजेश पटेल का आभार व्यक्त किया गया। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। धन्यवाद किसान पुत्रों, आप अगली लड़ाई तीन काले कानून के लिए आपके माता पिता आपके बुजुर्ग लोग हैं वो उनके समझ में नहीं, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो और इस काले कानून से हमारी धन धरती कुर्सी मान सम्मान सब बिकने वाला है। कारपोरेट घरानों में गिरवी रखने जा रही है, सरकार ने रख चुकी है, उसके लिए भी आप आगे इसी तरह सक्रियता दिखाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं आशाओं और उम्मीदों के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्षेत्र की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सुनना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ शून्यता आई। 20 दिन हो गए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो भी इनकी समस्या हल नहीं हुई। जब जाके किसान संघर्ष मोर्चा को, ये संयुक्त मोर्चा को मालूम हुआ, तब बड़े बड़े अधिकारियों से बात किए, तब जाके सफलता मिली। ये भाजपा और कांग्रेस से इनकी दूरियाँ खत्म होना चाहिए और किसानों के संघर्ष में एक होंगे तो हर लड़ाई में हम जीते हैं, कभी हारे नहीं हैं, लड़ेंगे तो जीतेंगे। धन्यवाद। ट्रांसफार्मर कब से चला है भाई? 15-20 दिन हो गए। तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह नहीं की? ये ना शिकायत की है। तो क्या बोल रहे हैं? कल आके लगाएंगे, परसों आके लगाएंगे। हाँ, 2-3 दिन में हो जाएगा। हाँ, और तो फिर 20-25 दिन से आप कैसे रह रहे हैं? परेशानी से। मिट्टी तेल मिलता है? नहीं मिलता जी, वही सोसाइटी से थोड़ा बहुत मिलता है, उसी से काम चला रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।